नमस्कार, वक्त हो गया है 5W1H का, यानी हर खबर पूरी जानकारी के साथ। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। ईस्टर के मौके पर आज श्रीलंका के एक के बाद एक 8 धमाकों से धधक उठा है। श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट में अब तक 162 लोगों की जान जा चुकी है। एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया गया। श्रीलंका में 8 बम धमाके, 162 से ज्यादा लोगों की मौत, 450 लोग घायल। श्रीलंका के कोलंबो, बट्टी कलोवा और नेगोम्बो में सीरियल ब्लास्ट। ईस्टर के मौके पर चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान धमाके हुए। एक आरोपी गिरफ्तार, अब तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। ब्लास्ट में 3 चर्च, 3 होटल को निशाना बनाया गया, जांच जारी। श्रीलंका में रात को कर्फ्यू और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। ईस्टर के मौके पर श्रीलंका के कोलंबो में कत्लेआम किया गया है। श्रीलंका में 3 चर्च और 3 होटल में एक के बाद एक 8 सीरियल ब्लास्ट हुए। धमाके में अब तक 162 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 35 विदेशी नागरिक भी हैं। ब्लास्ट में 450 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। श्रीलंका पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने का दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका में हुए धमाकों पर दुख जताया है। आज श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ है, श्रीलंका वासियों के प्रति भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसी संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका की जो भी मदद कर सकता है, हर मदद के लिए तैयार है। सीरियल ब्लास्ट के बाद श्रीलंका सरकार ने आपात बैठक करके सुरक्षा बढ़ा दी है। श्रीलंका में रात को कर्फ्यू और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है। ब्लास्ट के बाद श्रीलंका में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही है।